ईडी ने ऑनलाइन भुगतान मंचों के मार्केट खातों में रखे 9.82 करोड़ रुपए को किया जब्त। नई दिल्ली, प्रेत चीनी लोन ऐप घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उसने कुछ ऑनलाइन भुगतान मंचों के मार्केट खातों में रखे हुए 9.82 करोड़ रुपए मूल्य का कोष जब्त किया है। इससे पहले भी वह ऑनलाइन भुगतान मंचों के मचेट खातों में रखे हुई राशि को जब्त कर चुकी है। चीनी लोन ऐप चोटले की जांच कर रही ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। $5 नीले बर्तन पर आम लोगों से पैसा भी एकत्र कर रही थी। ईडी की नजर ऐप आधारित टोकन HPZ पर लगी हुई है। उसने कोमीन ईडी के अनुसार कोमीन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अन्य चीनी नियंत्रण वाली इकाइयों का गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के साथ है। चीनी स्वामित्व वाली ये इकाइयां कैश होम, कैशमार्ट और इजी लोन जैसे कई संदिग्ध लोन सहित अन्य ऐप का उपयोग कर रही थी। ये इकाइयां इन मोबाइल ऐप का संचालन करने के नाम समझौता नेटवर्क टेक्नोलॉजी, मोबिक्रेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बायतू टेक्नोलॉजी, अलिए नेटवर्क, वीकेश टेक्नोलॉजी, लाटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी और एसपल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का कोष जब्त किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि चीन नियंत्रण वाली कई इकाइयों के मर्चेंट खातों में 9.82 करोड़ रुपए मूल्य के कोष को जब्त कर लिया गया है। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में भी इसी तरह की कार्रवाई की थी। उसने लगभग 46.67 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इसमें रेजर पे, कैशप्री और पेटीएम जैसे भुगतान गेटवे शामिल थे। कंपनियों ने कहा था कि यह राशि उनकी नहीं है। वे इसकी जांच में ईडी को पूरा सहयोग दे रही है।